एंटी वाले अपनी औकात दिखा देंगे, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, उनके कोई एग्जाम नहीं दूंगी। पक्का किसी प्रेतात्मा से मिला देगी यार, बड़ा पेज है ठीक है, आपको ये पता ही है। पर यार तुम ऐसे क्रीप सी हरकत करो, रील वो क्यों डिलीट करे, क्योंकि वो रील मिलियन क्रॉस कर दी थी। उसको क्यों लोगे आपके बारे में यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू माय न्यू व्लॉग। मेरी आवाज़ से तो आपको पता ही लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। अभी 2-3 दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आवाज़ तक नहीं निकलती थी, बट अब ऐसा हो गया कि अब आवाज़ तो निकल रही है, मतलब एटलीस्ट तो इतना ही मेरे लिए ठीक है कि बढ़िया आवाज़ निकल रही है। तो मैं पता है पूरी रात भर नहीं सोई हूँ, क्योंकि मुझे ना नींद नहीं आ रही है, मतलब आई डोंट नो मुझे क्या हो गया है, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती रहती है, और दिन में भी नहीं आने लग गई है अब, मतलब आती ही नहीं है यार नींद, क्या बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो मैं क्या करूँ, फिर अब ऐसा हो गया कि सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, फिर अपने घर वालों को कॉल करती हूँ कि मैं उठ गई हूँ, देन दे आर लाइक ओ माय गॉड तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई। तो ऐसे ऐसा चलता रहता है। तो अभी मैं फिर से उठ गई हूँ, और अभी मैं अपने जो सुबह वाला सारा का सारा होता है ना, ब्रेकफास्ट करना, एक्सरसाइज करना, ये करना, वो करना, सो करना, सारा का सारा मैं अभी करने वाली हूँ। सॉरी गाइस मेरी अंधी आवाज़ के लिए, आई एम सो सॉरी, बट पता नहीं क्यों फिर भी मेरा व्लॉग बनाने का इतना मन कर रहा है अब। आई एम लाइक कि यार मैं डेली व्लॉग्स डालूंगी एकदम, देखो आवाज़ चली जाती है बीच में, एकदम डेली व्लॉग्स डालूंगी, सो यू डोंट वरी। तो गाइस मैं बना रही हूँ अभी अपने लिए, बालक कहाँ जा रहा है, अब मेरी तो क्लासेस ओवर हो गई है, ऐसे मैं पहले भी नहीं जाता था, मतलब मेरे लिए एनीवेज छोड़ो, क्या कहानी बताओ अपनी। ये कुछ कुछ बच्चे तैयार होके ही जा रहे हैं कोचिंग, आई थिंक ये ड्रॉपर्स नहीं हो गए, दूसरे वाले बच्चे हो गए जिनके अभी भी क्लासेस चल रही है। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए ये वाली टी, ग्रीन टी, सुबह सुबह ग्रीन टी पीऊँगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगी, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी, 1% भी नहीं खाऊँगी जब तक मेरा गला ठीक नहीं हो जाता, ठीक है, डील डन। तो गाइस आज है मेरा वो फेस मास्क वाला डे, मतलब वीक में मैं एक बार अपने फेस पे फेस मास्क यूज़ करती हूँ हर वेडनेसडे को, तो आज मुझे वो करना है। मैं ये वाला पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, ये चारकोल वाला मैं वैसे यूज़ नहीं करती हूँ, इट्स मेड इन कोरिया, तो यू नो कोरिया तो कोरिया है, तो इसे यूज़ करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट रहता है, अगर अच्छा सूट करेगा मेरे ऊपर और थोड़े से रिजल्ट अच्छे आएंगे देन मैं यही यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ जो मैं यूज़ करती हूँ वही बेटर है मेरे लिए। दिस इज़ माई ओरिजिनल स्किन विदाउट एनी मेकअप एंड विदाउट एनी फिल्टर। मैंने सुबह मैं सारा का सारा अपना स्किन केयर कर देती हूँ, उसके बाद पूरे दिन भर अपना मुँह नहीं धोऊँगी और कुछ भी अपने फेस पर नहीं लगाऊँगी, उसके बाद फिर डायरेक्ट रात में अपना फेस वॉश करूँगी, फिर से स्किन केयर करूँगी और दूसरे सुबह उठूँगी, बस यही चलता रहता है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देती हूँ, आप जब भी सनस्क्रीन लगाओ ना उसको ना एक्स्ट्रा लग दो अपने मुंह पे, ठीक है, क्योंकि वो ना थोड़े टाइम बाद ना खुद अब्जॉर्ब हो जाती है अच्छे से, कहीं थोड़ी थोड़ी सी लगाते हैं तो आप उसे भर भर के लगाओ अपने फेस पे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है कोटा में भाई, मतलब मुझे एक साल पहले जो टैनिंग हुई थी ना मुझे पता है, बस बहुत टैनिंग टैनिंग वाली हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी स्किन इतनी डल हो गई थी, इतनी गंदी हो गई थी कि पूछो मत। फिर मैंने थोड़ा सा अपने जो स्किन केयर है उसको थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंचाया, अब जाके थोड़ा सा ठीक है। पता है देखो यार मेरी ये वाली यूज ना रेड हो रही है, पता नहीं क्यों, शायद मैं सोई नहीं हूँ इस वजह से, नहीं सोती तो वैसे भी मैं बहुत कम सोती हूँ, आई डोंट नो किस वजह से हो रही है। तो अभी मुझे कुछ घर के फालतू फालतू के काम करने हैं, नॉट फालतू फालतू
मेन काम करना है। उसके बाद फिर मैं मेडिसिन लूँगी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं पूरी रात भर नहीं सोई हूँ। उसके बाद उठ के वही अपना बिजी शेड्यूल। तो गाइस आई एम थिंकिंग कि मेडिसिन खाने से पहले मैं कुछ ब्रेकफास्ट खा लूँ, एंड कुछ बनाने की तो मेरी हिम्मत नहीं है। तो थिंकिंग कि मैगी बना दूँ, मतलब मैगी इज़ माई फेवरेट वन। आई कॉन्ट टेल यू कि मुझे मैगी से कितना प्रेम है, और इधर अभी मैगी शायद नहीं होगी क्योंकि मैं और कनिष्का ना, मतलब हमारा होता है कि वाह यार बाहर इतना अच्छा अच्छा मौसम हो रहा है, मेरा और कनिष्का का होता है कि भाई जिस दिन मैगी आई है उस दिन ही हम लोग बस उसे ख़त्म करेंगे, अपने पास एक्स्ट्रा स्टॉक बिल्कुल नहीं रखेंगे, तो भी जो होना पड़ेगा मैगी लाने। गाइस मैं बहुत ज़्यादा सामान लेकर आ गई हूँ खाने पीने वाला, मेरी आइज़ अभी भी रेड है यार, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। बहुत सारा तो नहीं मैगी लेकर आई हूँ, और पता नहीं यार क्या उठा के गोल गोल से उठा के मैं लेकर आ गई हूँ। एनीवेज लेट, तो अभी मैं मैगी बना रही हूँ और मैं फ्रूट्स भी लेकर आई हूँ। अब मैं बस हेल्दी खाऊंगी, ओनली एंड ओनली हेल्दी चीज़ें, कोई भी आलतू फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाऊंगी, टच भी नहीं करूंगी भाई, सच बता रही हूँ, जब तक मेरा गला ठीक नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी, 1% भी नहीं पीऊँगी, पर मैं गलती से ना वो लेकर आ गई तो अब मुझे पीनी तो पड़ेगी पड़ेगी, इसलिए आज पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक, बस कल से तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेरा गला ठीक नहीं होता तब तक मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी, 1% भी नहीं पीऊँगी। अब मैं बना रही हूँ गाइस मैगी, तो इसको लेकर जाता हूँ गाइस। व्हाट्सअप से लेकर ना मैं ना फ्लैट शिफ्ट हुई हूँ ना, तब से लेकर ना मैंने ना खाना बनाना सीख लिया, मतलब मुझे हर काम आ जाता है, मैं झाड़ू भी मार लेती हूँ, मैं पोछा भी लगाई देती हूँ, और मैंने मैगी बनाना सीख लिया, मैंने चाय बनाना सीख लिया है, और क्या आता है मुझे, दाल भी बनानी आती है मुझे। हाँ ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है दाल, डॉगी खा लेता है बस वो दाल, कभी कभार तो वो भी नहीं खाता है, मतलब ऐसे अच्छी नहीं बनती है, बट स्टिल ठीक है, मतलब सीख रही हूँ अभी, आई मीन लर्निंग फेज। और फिर कनिष्का तो खा ही लेती है उसके पास, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता ना, वो बेचारी ऐसे खा रही होती है, मैं उसे पूछती हूँ कि कैसी है तो कहती है बहुत मस्त है बहुत ज़्यादा। पता है मैंने घर पे कुछ भी काम नहीं किया, मेरे को मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था, मतलब उन्होंने मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाया, इसलिए मुझे कोई भी काम करना नहीं आता है। बट हाँ मैंने यहाँ पे आके सीख लिया है सारा काम, मैं सारा काम कर लेती हूँ, A to Z जो भी काम करवा दूँ मैं कर लेती हूँ। अभी मेरी मैगी जलने वाली है, भगो इसमें। हाँ मुझे ना पैरी पैरी मसाला और मैगी मसाला में क्या डिफरेंस है ये पता नहीं है, तो गाइस प्लीज मुझे बता दो प्लीज। गाइस सी मैं टेस्टी मैगी इज रेडी, इसके साथ मैं माजा पीऊंगी और ये मैं नूडल्स खाऊंगी, पता नहीं ये क्या है पर ये मैं खाऊंगी। गाइस नाउ इट्स 9 o'clock, दिन में मेरी ना तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब गला मेरा एकदम से इतना पेन करने लगता है और आवाज़ एकदम से चली जाती है, आवाज़ ही नहीं आती है, तो देन आई वाज लाइक कि मैं कैसे शूट करूं। फिर अभी थोड़ा सा नॉर्मल फील हो रहा है, तो अभी मेरा टिफिन भी आ गया खाने वाला, बट यू नो इट्स सो मच ऑयली, यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा ऑयली मिलता है, एंड नाउ आई एम लाइक यार मैं क्या खाऊं, क्योंकि इतना ऑयली खाना भाई मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाता है, मतलब ऊपर से मेरा गला ख़राब है तब तो मुझसे और नहीं खाया जाता है। तो अभी फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं दूध लेकर आती हूँ और दूध पी लूँगी, क्योंकि ये खाना तो मैं खाने से रही, मैं और बीमार हो जाऊँगी इतना सारा ऑयल खा के, बाकी तो छोड़ो ही। तो चलो अभी चलते हैं, एंड 9:30 हो गया। फ्लैट में एक बस मज़े है कि टाइम नहीं देखना होता है, कभी कुछ भी एकदम से इम्पॉर्टेंट याद आ जाए कि अच्छा हमें वो लेकर आना है तो एकदम से भग जाओ। हॉस्टल में होते थे जब, तब तो भाई मतलब सारी चीज़ें मैं तो दिन में याद कर देती थी मुझे क्या क्या चाहिए क्या क्या चाहिए, और 8 बजे से पहले लेकर आ जाओ, क्योंकि उसके बाद नो चांस कि आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो
आप बाहर जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो अभी चलते हैं। एक और अच्छी चीज़ हो जाती है जब आप लिफ्ट में अकेले होते हो, मुझे इतना सुकून मिलता है, आई गॉट टेल यू। अब अगर ये लिफ्ट कहीं रुकी तो ये गई मेरे हाथों। लिफ्ट बहुत अंडरस्टैंडिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे रुकी गई। सो गाइस मैं आ गई हूँ वापस, और पता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बट आई कॉन्ट ईट माई टिफिन। देखते हैं उसमें है क्या। अगर उन्होंने ज़्यादा ऑयल डाला होगा ना, मैंने उनसे मना किया था कि अभी कुछ टाइम बिल्कुल भी ऑयल बहुत कम यूज़ करना या तो डालना ही मत, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो देखते हैं उन्होंने कैसा किया है। अगर उन्होंने ऑयल डाला होगा ना, कल गए मेरे हाथों वो पक्का। यू नो इज़ वॉट, मैं जो भी खाने को लेकर आई थी मैंने सारा ख़त्म कर दिया है, और अब मेरा खाने खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब मैं दूध पीऊँगी ओनली एंड ओनली, और मुझे ना शायद फिर से फीवर स्टार्ट हो रहा है, एंड आई एम लाइक नो मैं क्या करूँ। अब मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा है यार, मैं बीमार क्यों हुई जा रही हूँ, क्या पता मुझे नज़र लग गई हो। हो सकता है। चलो गाइस अब मैं दूध बनाती हूँ, मतलब दूध को बॉईल करती हूँ। गाइस हंस मत, गाइस मुझे ना एक महीने में 400 नंबर लाने हैं, और अभी मैं उसकी ना एकदम तगड़ी प्लानिंग कर रही हूँ, एकदम तगड़ी प्लानिंग। क्योंकि अगर मेरे 400 मार्क्स आ गए तो मुझे प्राइवेट MBBS मिल जाएगी, गवर्नमेंट के तो मैं सपने भी नहीं देखती। मतलब जो अपने से नहीं होता उस चीज़ को क्यों एफर्ट्स दें हम, तो उससे मुझे प्राइवेट मिल जाएगी। रशिया के लिए तो 160 मार्क्स मुझे चाहिए, वो तो मेरे आराम से आ जाएंगे, बट स्टिल अगर मुझे इंडिया में MBBS करने का सोचा तो 400 नंबर तो भाई मुझे चाहिए चाहिए प्राइवेट MBBS के लिए। तो अभी मैं एक बहुत तगड़े वाला प्लान बना रही हूँ, मतलब बिल्कुल तगड़ा प्लान, एक मंथ में नीट क्लियर कैसे करें, आइए सीखिए मुझसे। गाइस 3 मिनट में पूरे 400 नंबर की प्लानिंग कर दी है, कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने, 400 नंबर इज़ माई डन। अब देखो 400 नंबर लाने से मुझे कौन रोकता है। और अगर जो चैप्टर्स मैं पढ़ के जा रही हूँ उनमें से अगर कुछ नहीं आया, फिर मैं क्या करूँगी? फिर जो भी है ना प्लानिंग करने वाले, ये सब मेरे हाथों गए, फिर एक 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 गया मेरे हाथों अगर यही चैप्टर्स नहीं आए। गाइस वैसे तो ये सारे के सारे यू नो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, हर बार अंदर से क्वेश्चंस आते हैं और खुद बहुत ज़्यादा वेटेज है इनकी, बट स्टिल यार आई डोंट ट्रस्ट माय किस्मत। मेरी किस्मत बहुत फूटी सी है, इतनी गंदी किस्मत है, जितनी गंदी किसी की किस्मत नहीं होगी ना उतनी गंदी किस्मत बस मेरी है, अकेले की मेरी। तो और अगर इनमें से ये नई चैप्टर्स आए तो मैं क्या करूँगी? मुझे अगले साल कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है यार, मुझे कोटा से बाहर जाना है, मुझे नहीं रहना कोटा में, आई कॉन्ट सर्वाइव हेयर मोर। गाइस अगर ये चैप्टर नहीं आए ना, माँ कसम NTA वाले अपनी औकात दिखा देंगे, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी, उनके कोई एग्ज़ाम नहीं दूँगी अगर ये चैप्टर्स नहीं आए। अब मैं इन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ूंगी, वैसे मैंने पढ़ लिया है, मतलब दे आर मोस्ट इजी चैप्टर। मैंने अपनी प्लानिंग तो बहुत पहले से कर दी थी कि मुझे इतने नंबर चाहिए, तो इतने नंबर के लिए मुझे ये चैप्टर्स पढ़ना है। अब ये बस मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, स्टार्ट तो मैंने बहुत पहले से कर दिया था, तो अभी मैं जस्ट इन्हीं चैप्टर्स पर फोकस करूँगी, और ज़्यादा आगे वाला मैं नहीं पढ़ूँगी बिल्कुल भी नहीं, मतलब जो एक्स्ट्रा नहीं, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ यार, मैं इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करूँगी, बाकी और मैं कुछ नहीं पढ़ने वाली अब, क्योंकि अब ये यू नो लास्ट टाइम है, 2 महीने बचे हैं बस, तो इसलिए। और अगर ये चैप्टर्स नहीं आए ना, सच बता रही हूँ NTA वाले अपनी औकात दिखा देंगे, उनसे मैं कभी बात नहीं करूँगी, उनके कोई एग्ज़ाम नहीं दूँगी, और वो मेरा गुस्सा देखेगी फिर, जहाँ पे इनके वो बनता है ना, क्या कहते हैं इनके क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं, वहीं पे जाके ना वो कर दूँगी। क्या ही कर सकती हूँ मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा यार,
सारा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, सिर्फ ये पढ़ूंगी, ये पढ़ के जाऊंगी। ओके गाइस, वैसे मुझे इंटरेस्ट तो नहीं है ये नीट वीट इन सब चक्रों में पढ़ने का, बट स्टिल पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि यार अब 2 महीने बचे हैं मार्च एंड अप्रैल, तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, कर लेती हूँ क्योंकि आप मेरी जान के पीछे एकदम से पढ़े रहते हो ना यार, पढ़ ले, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं कर लेती हूँ। ऐसे बाकी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इसको करने का, नीट वीट सारा भाड़ में जाए यार, मैं तो मस्त मजे मारूंगी, सच मत समझ लेना यार, फिर कमेंट्स में पता नहीं क्या क्या लिखते रहोगे यार, फिर उसे ब्लॉक हो जाओगे, तो ऐसे अच्छा नहीं रहता है। तो मैंने ना अपना पूरा का पूरा प्लान बना लिया है, अब मैं इस प्लान को ना 1 मार्च से फॉलो करने वाली हूँ, और अगर तेरी वजह से कॉपीराइट आया ना तो देखियो फिर। नहीं, इस पता है क्या हो रहा है, मैंने ना अपने बालों में ना कल रात में कलर लगाया था, ठीक है, जो स्ट्रीक का आता है वो मैंने मतलब ऐसे ट्राई किया कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, वरना तो जो भी मैं बाल कलर करती हूँ वो मैं बाहर जाके कलर करती हूँ, ऐसे खुद से कभी नहीं करती। तो पता नहीं मुझे कल क्या चढ़ रही थी, मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 1-2 महीने बाद मुझे चेंज करना ही है, मैं बाहर से पार्लर से मैं चेंज करूँगी, तो मैं अभी जस्ट फॉर ट्राई मैं कर रही थी, और पता नहीं यार मेरे बाल कैसे काले हो गए यार, ये वापस से कलर ही नहीं हो रहे यार। मैंने ना क्या बताओ इतने एफर्ट्स किए ना, मैं 2 वो बड़े बड़े पैक उसके लेकर आई थी, इतना कलर पोता मैंने, मुझे लगा आज तो मेरे बाल गए, मतलब पूरे कलर हो जाएंगे, मैं खुद को पहचान नहीं पाऊंगी, पर ये पता नहीं काला रंग कैसे हो गया यार, ये जा ही नहीं रहा है यार, बाल ही कलर नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, देखती हूँ, मुझे लगता है मुझे बाहर जाके अब कलर करना पड़ेगा। तो आप मुझे सजेस्ट करो मैं कौन से कलर करवाऊँ अपने बालों में, अपने अच्छे अच्छे बालों में, जल्दी बताना, आई विल वेट, वरना तो ऐसा ना हो कि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं और फिर उतने तक मैंने अपने बाल कलर कर दिए, फिर वैसे मैंने सोचा तो है 1-2 कलर, मैं बताऊँगी उसको आपके बारे में, कलर्स को क्यों बताऊँगी मैं आपके बारे में यार, मतलब पता नहीं यार क्या बताऊँगी। सो फाइनल डिसाइड कर दिया मैंने, आपको कलर्स के बारे में बताऊँगी कौन से कलर होंगे, कलर्स को नहीं बताऊँगी। सो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए मैगी, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, अंधेरा हो रहा है, मैं जला पंखा भी जल जाता है ऐसी फालतू में। मैगी शायद मेरे पास 1 पैकेट बचा हुआ है मैगी का, बस एक, उतने में तो हो ही जाएगा शायद, हाँ मुझे लगता है 1 ही पैकेट में खा सकती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं ना आपको ना एक बात बताती हूँ, मतलब कोटा पता है कैसा बन रहा है कुछ दिनों में, इतना घटिया सा, इतनी घटिया सी जगह बन रही है, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। अब मैं ना एक बात बताती हूँ, इंसिडेंट बताती हूँ अपने साथ, मेरे साथ क्या हुआ, आपको तो जैसे पता ही होगा मेरा भी एक शूट था कोटा के भुखड़ के साथ, मैं उसका मिनी व्लॉग भी डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो जाओ उसे चेक करो, ठीक है, पहले वो मिनी व्लॉग देखो समझे, फिर आना यहाँ पे सुनने। तो क्या हुआ मेरे साथ, तो उनका वो शूट था, तो मतलब बढ़िया उस दिन तो एकदम मस्त शूट था यार, क्या कमाल का मजा आया मुझे उस शूट में। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से एक शूट के लिए अप्रोच किया, आई थिंक 2 या 3 दिन हो गए, तो उन्होंने मुझे तब कांटेक्ट किया था कि आओ विशी आप एक और शूट कर दो। तो हमारी ना जो टर्म्स एंड कंडीशन थी ना वो मैच नहीं हुई, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन का साफ साफ बता देती हूँ, मतलब पेमेंट वाला थोड़ा सा वो हुआ कि पेमेंट मुझे जमी नहीं, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगी। देन विद इन 1 मिनट, मतलब ऐसे बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो यार तुम लोग, क्या बोलो तुम्हें भाई, मतलब इतनी करीब इतनी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, उन्होंने विद इन 1 मिनट मुझे, हमारा जो कोलैब हुआ था ना आपको पता ही है इंस्टा पे रील्स वाला कैसा कोलैब होता है, तो उन्होंने मुझे कोलैब से हटा दिया, एंड आई वॉज टोटली शॉक्ड, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड वॉट इज दिस बिहेवियर, मतलब भाई तुम रील डिलीट कर दो ना, तुम्हें मुझसे अगर प्रॉब्लम है यू कैन डिलीट द रील, जाओ रील को डिलीट कर दो। वैसे रील वो क्यों डिलीट करे, क्योंकि वो रील 1 मिलियन क्रॉस कर दी थी, एंड उनके पूरे पेज में ऊपर से लेकर नीचे तक गई छान मारना, कहीं पे भी 1 मिलियन कोई भी उनकी वीडियो रीच नहीं की है, वो रील 1 मिलियन क्रॉस कर गई थी। एंड चलो वो कोलैब वाला हुआ था, एंड उसी टाइम ना मेरी ना एक रिएक्शन वाली वीडियो आई थिंक अभी उसमें 33 मिलियन समथिंग व्यूज चले गए हैं,
तो वो हिट चल रही थी, देन उसके चक्कर में लोग वो भी देखने लग गए, तो वो ना मतलब अकॉर्डिंग टू मी वो मतलब मेरे उसकी वजह से ही वो रील वायरल हुई। चलो जिस भी की भी वजह से हुई, दिस इज नॉट फेयर यार कि तुम क्रेडिट पूरा का पूरा ले रहे हो यार। एटलीस्ट मुझे होता रील में तो रख लो, कोलैब में तो रख लो, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो रील ही डिलीट कर दो यार। रील तुम्हें डिलीट नहीं करनी, तुम्हें कोलैब से जरूर हटाना है, रील तुम्हें डिलीट नहीं करनी, मतलब सारा का सारा क्रेडिट खुद ही ले लेना है। आई कांट से एनीथिंग गाइस, मतलब इतने सारे लोग बकवास है कोटा के, पता नहीं कैसी जगह बन गई ऐसे, आई हैव नो वर्ड्स गाइस। तो अभी मैं जा रही हूँ मैगी बनाने, बाकी छोड़ो, चिल करो, मस्त रहो और मैगी खाओ और बीमार हो जाओ। गाइस रात के 1:30 बज रहे हैं एंड 1:30 बजे मुझे भूख लग रही है और मैं खाना नहीं मैगी बना रही हूँ। गला अलग से खराब है, छोड़ो इसे। पता है मुझे तो कभी कभार लगता है ना कि जो ये मेरी रात में जगने की आदत है ना, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक जगने की आदत है, कि मुझे ना किसी दिन पक्का किसी प्रेत आत्मा से मिला देगी यार। मतलब आई एम डेफिनेट श्योर। पता है मैं कभी भी इस टाइम नहीं सोती हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि इस टाइम सबको सोना चाहिए ऐसा वैसा, यहाँ नीचे 2 लोग हॉस्टल के नीचे कुछ कर रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। गाइस यू कैन सी देयर, यार वो कहीं प्रेत आत्मा तो नहीं है यार, खिड़की बंद कर देती हूँ यार, कोई भरोसा नहीं, क्या पता प्रेत आत्मा हो कोई और वो मेरी खिड़की से अंदर आ जाए। एंड मैं क्या करूँगी, कनिष्का तो आराम से घोड़े बेच के सो रही है, उसे तो कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की, वो तो एकदम चल बंदी है, मस्त बंदी है। उसकी भी बेचारी की तबीयत खराब हो रही है आजकल, मतलब उसने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की अभी 2-3 दिन। 4 3 प्रेत आत्मा दिखाती हूँ गाइस, जैसी दे आर कमिंग। अगर ये मेरी खिड़की से अंदर, अरे इंसान ही है यार, पता नहीं कौन बालक है। मैं यहाँ से कुछ बोलूं, हेलो, कितने चिल्लों के चल रहे यार, एक को बालों में बड़ी खुजली हो रही है। ओह ये तीनों तो डॉन है कोटा शहर के। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, हाँ कनिष्का के बारे में। कनिष्का पता है वो इतने दिनों से मेरी केयर कर रही थी, मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे मेरे, तो वो इतने दिनों से मेरी केयर कर रही थी एंड बेचारी अब खुद ही बीमार पड़ गई है, तो अब मुझे उसकी केयर करनी पड़ेगी। पर अभी तो वो दवाइयाँ वगैरह लेके सो रही है, तो मैगी तो मैं अकेली खाऊंगी और किसी को नहीं दूंगी। हाँ यार और कुछ मुझे याद नहीं आया था, मैगी बनाते हैं। गाइस देखो आज आपको ना मैं मैगी बनाना सिखाती हूँ। ये पानी डाल दिया मैंने, इसमें डालूंगी मैं ये मैगी, ठीक है। अब डालूंगी मैं ये मैगी मसाला जो इसके साथ ही मिला है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी। एक मेरे पास और मैगी मसाला पड़ा था, एक ये डालूंगी। दो दो मैगी मसाले, एक मैगी में, वाओ व्हाट अ टैलेंट। और फिर डालूंगी मैं ये ओरिगैनो, एकदम कमाल की मैगी बनाती हूँ यार। ओ यार ये तो दूसरा ओरिगैनो था, ओहो क्या करे। अब मैं डालूंगी ये शेजवान सॉस, यस ये, और हाँ एक और मैगी मसाला। अब डालूंगी मैं 3 मैगी मसाला, बहुत स्पाइसी हो जाएगी ना, व्हाट डू यू थिंक। हाँ तो इसको हम आधा डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ओनली आधा। और अब डालूंगा मैं ये नहीं डालूंगा यार, बस ये टमाटर मेरे पास ये पड़ा हुआ है थोड़ा सा, अभी मैं ये टमाटर डाल रहा हूँ। ये ओके 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 ओके। और यार ये चॉपली टमाटर भी मुझसे कटता नहीं है, मतलब इट्स बहुत बेकार। तो ये मेरा मैगी बन जाएगी। अच्छा वो मिर्च डालना तो मैं भूल ही गई, अब डालूंगी मैं इसमें थोड़ी सी मिर्च, ज़्यादा नहीं, क्योंकि
ज्यादा मिर्च खाने से पता मेरी इतनी हालत खराब हो गई है ना, मैं क्या बताऊं गाइस। अभी नमक भी डाल लेते हैं। वैसे मेरे पास और भी बहुत सारे मसाले जैसे धनिया और मीट मसाला और आलू, पर ये मैं नहीं डालूंगी। ठीक है, इससे घों घों कर मतलब गोल गोल कर मस्त मैगी बनेगी। अच्छा तो गाइस पता है मैं सोच रही हूँ ना कि यार मतलब कोटा का बुखार बहुत ज़्यादा बड़ा पेंच है। ठीक है, आपको तो पता ही, पर यार तुम ऐसे करीब सी हरकत करोगे, ऐसी घटिया सी हरकत करोगे यार, ऐसे शोभा नहीं देता यार ऐसा कुछ भी करने से। ठीक है, एक मैनर्स और एडिकेट्स होता है, ऐसे थोड़ी होता है यार, मतलब व्हाट टू से। एनीवेज फोकस ऑन मैगी, मैगी खानी है, सो आई विल टोटली फोकस ऑन माई मैगी। एकदम मस्त कमाल की मैगी बनेगी गाइस। मैं सोच रही हूँ ना मैगी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं सोहालका में रहती हूँ ना, तो सोहालका वालों को मैं हर रात में मैगी यू नो जैसे जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करते ना, वैसे ही मैं सब लोगों को मैगी खिलाऊंगी। पर मैगी का प्राइस बहुत 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 ज़्यादा होगा क्योंकि वो मेरे हाथ की मैगी होगी, क्योंकि मैं एकदम कमाल की मैगी बनाती हूँ, दैट्स व्हाई। अब इस मैगी को ना बनने देते हैं। ठीक है, सो गाइस पता है बहुत टेस्टी मैगी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी और मेरी नाक फिर से बहने लग गई है, बट एनीवेज मज़ा आ गया। तो अभी 3 बज चुके हैं ना, अब तो मुझे नींद आ रही है, अब तो मैं सोने जा रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब, सब चीज़ें कर दो। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। बहुत मिर्च हो रही है यार।